मॉर्निंग, मैं आपकी हिंदी टीचर बबीता भटनागर। आज आपको हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ाऊंगी, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। बच्चों, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी विशेष बात के बारे में बताएं, उसकी किसी विशेषता के बारे में बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि। जैसे हरी घास, लंबा आदमी। जैसे घास की विशेषता क्या हुई कि घास हरी है। आदमी कैसा है? लंबा, लंबा आदमी। काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है? काला। तो कुत्ते की विशेषता क्या हो गई? काला है। आदमी की विशेषता क्या हो गई? वो लंबा है। और घास की विशेषता क्या हो गई? हरी। तो ये विशेषण शब्द कहलाते हैं। वापस मैं रिपीट करती हूँ, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, यानी आपसे कोई विशेषण की परिभाषा पूछे तो आप क्या बोलेंगे? लिखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा काला कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता तो हो गई काला, तो काला शब्द हो गया विशेषण, और कुत्ता क्या हो गया? विशेष्य। हरी घास, घास होगी विशेष्य और हरी हो गया विशेषण। लंबा आदमी, लंबा हो गया विशेषण शब्द और आदमी हो गया विशेष्य। समझ में आया? विशेष्य किसे कहते हैं? एक बार मैं सबसे पहले आपको वापस रिपीट करती हूँ। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह शब्द विशेष्य कहलाते हैं। एक उदाहरण मैं और देती हूँ, जैसे मेरा भाई मोटा है। मोटा यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण। और भाई शब्द क्या हो गया? विशेष्य। भाई की विशेषता बताई जा रही है तो भाई शब्द हो गया विशेष्य। राम बहुत अच्छा है, राम इसमें विशेष्य है और अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। अब विशेषण और विशेष्य को हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे और अलग कर सकते हैं। विशेषण के भेद, अब आपको मैं बताऊंगी विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण बच्चों निम्न पांच प्रकार के होते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे, विशेषण के निम्न पांच भेद होते हैं। पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, या ध्यान देने वाली बात है परिणाम नहीं परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। वापस रिपीट करती हूँ मैं, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। ये हो गए हमारे विशेषण के भेद। हम अब सारे विशेषणों को मैं आपको एक एक उनका परिचय बताऊंगी और आप समझिए। हमारा सबसे पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं, गुण मानी कोई विशेषता हो या कोई दोष हो, कोई कमी हो, वो बताए, गुण और दोष बताए, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है, या वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मेरी भैंस काली है, यानी भैंस की क्या विशेषता हो गई कि वो काली है, यानी उसके गुण या दोष जो भी बता रहा है वो हमारे को इस शब्द से प्रकट हो रहा है। वह पहाड़ बहुत बड़ा है, यहाँ भैंस की विशेषता है, यहाँ भैंस की विशेषता है कि वह काली है, और पहाड़ की विशेषता है कि वह बड़ा है। तो समझ में आ गया बच्चों कि जहाँ पे भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दिशा, अवस्था, स्थान, ये सारी चीज़ें हमें जिसमें पता चले वहाँ पर कौन सा विशेषण है, कोई अच्छाई पता चले, कोई बुराई पता चले, वहाँ पे कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। क्लियर? नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने नाप तोल या मात्रा। एक शब्द होता है परिणाम, परिणाम माने जैसे आपका रिजल्ट या आप, और परिमाण माने माप तोल किसी चीज़ की मात्रा, कितनी हमें माप तोल है। तो परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ ये होता है कि, अब मैं इसको आप परिभाषित करती हूँ, जैसे ऐसे शब्द जिनके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, यानी मैंने आप बच्चों के लिए यहाँ पे लिखा है, यानी माप तोल, माप तोल समझ गए, मात्रा आदि के बारे में जानकारी दी जाती है, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण है, एक लीटर दूध। दूध कितना है? दूध की हमारे पास मात्रा है एक लीटर दूध। थोड़ी दूर, 3 मीटर कपड़ा, कपड़े की माप है 3 मीटर कपड़ा। इस विशेषण के दो भाग होते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भाग होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा, निश्चित यानी जो तय हो, इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 बीघा जमीन,
जमीन कितनी है 10 बीघा, 3 मीटर कपड़ा, हमें एक निश्चित माप पता चल रही है इन उदाहरणों में, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर दूरी, दूरी पता चल रही है कितनी दूरी है 200 किलोमीटर, तो निश्चित है इसलिए यहाँ पे निश्चित परिमाण वाचक है। दूसरा इसका भाग है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित जिसका कोई निश्चित संख्या नहीं हो, मतलब हमें पता नहीं हो, इसमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा कुत्ता भी हो सकता है थोड़ा, कुछ मीठा 10-15 मीटर, 10 भी 15 भी, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है मेरा तीसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता पता चले वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है, जिन शब्दों में हमें संख्यावाचक संज्ञा या सर्वनाम की किसी संख्या का पता चले वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे 5 आम, गिनती है हमारे पास, संख्या है कितने आम है हमारे पास 5, तीसरा मकान, सब लड़के आदि। इस विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, जैसे पहला निश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में जैसे अनिश्चित कोई पता नहीं है, संख्या नहीं है निश्चित हमारे पास, कितने व्यक्ति है कितनी वस्तु है, उसके उदाहरण जैसे निश्चित में 5 मीटर कपड़ा, 3 लीटर तेल आदि, और जैसे अनिश्चित में कुछ लोग, पता नहीं है कितने लोग हैं, कुछ लोग कितने भी हो सकते हैं, 2-5 हमें पता नहीं है, कम 1 भी हो सकता है, थोड़े से फल, बहुत से रुपए, तो हमें इसमें अनिश्चित संख्या पता चल रही है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है चौथा विशेषण है हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जैसे जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द आपको पता है जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे यह, वह, उसका, मेरा, अपना, ये सारे शब्द क्या है सर्वनाम शब्द, तो जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा से पहले जो शब्द लगते हैं वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे यह पुस्तक अच्छी है, मैंने यहाँ पे रेखांकित किया है इस शब्द को, यह, यानी अंडरलाइन किया है यह, तो यह शब्द क्या है सर्वनाम, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण है, यह पुस्तक अच्छी है, वह घोड़ा अच्छा है, जैसा घर, जैसा घर, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा जैसा घर, इसमें जैसा शब्द क्या है सर्वनाम है, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है मतलब ऐसा शब्द क्या हो गया सर्वनाम शब्द, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो गया, वे खिलाड़ी हैं, यानी वे शब्द क्या हो गया सार्वनामिक, तो ये हो गया वे शब्द क्या हो गया सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है पाँचवा विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो शब्द बनते हैं वो विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिखा भारतीय सैनिक, भारतीय शब्द के मैंने नीचे रेखांकित करा है, तो इसमें भारतीय सैनिक में भारतीय शब्द क्या है व्यक्तिवाचक विशेषण, जापानी खिलौने, जापानी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, तो क्या हो गया जापानी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण, इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबादी शब्द के नीचे मैंने अंडरलाइन किया इलाहाबादी अमरूद, नागपुरी संतरे, समझ में आ गया, इन उदाहरणों को आप पढ़ेंगे तो आपको व्यक्तिवाचक विशेषण और अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चों ये तो हो गए हमारे 5 विशेषण के भेद, अब एक होता है प्रय विशेषण, मैंने आपको विशेषण बता दिया, विशेष्य बता दिया और विशेषण के भेद, अब होता है प्रय विशेषण, आपको पता होना चाहिए प्रय विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता होता है उसने प्रय विशेषण कहते हैं, जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, राम बहुत सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है लेकिन कैसा है बहुत सुंदर लड़का है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यहाँ सुंदर एवं लाल शब्द क्या है विशेषण है, और बहुत तथा सिंदूरी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रय विशेषण है। क्लियर, आज आपका ये चैप्टर पूरा होता है, अब मैं आपको देती हूँ गृह कार्य, आप बच्चे सब प्रश्न नोट करेंगे और पहले विशेषण को समझेंगे, एक बार अच्छे से रीडिंग करेंगे, भेदों को समझेंगे, फिर उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छांटो, आप पहले वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें जो विशेषता बताई जा रही है वो तो हो गया विशेषण, और जिसके बारे में बताई जा रही है वो विशेष्य, तो आप छांट लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला मेरा प्रश्न का है ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, इसमें दुकान तो है वो तो हो गई
विशेष्य और ऊ कैसी है, ऊंची है, तो वो हो गया उसका विशेषण। पकवान तो है हमारे पास विशेष, पकवान हमारा विशेष्य और पकवान कैसे है, फीके, तो वो हो गया उसका विशेषण। नीली घोड़ी लाल लगाम, नीली घोड़ी है, घोड़ी की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो घोड़ी शब्द तो हो गया विशेष विशेष्य और विशेषण हो गया नीली। लाल लगाम, लाल कैसी, लाल शब्द क्या हो गया विशेषण और लगाम हो गया विशेष। प्रश्न नंबर दो है, निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक शब्द छांटिए, जिससे हमें मापतोल पता चल रही हो वाक्य में, जहाँ वो शब्द आप छांट लेंगे। जैसे पहला मेरा शब्द है, थोड़ी सी चाय थके व्यक्ति को ताजगी देती है। मेरा सेंटेंस है, थोड़ी सी चाय थके व्यक्ति को ताजगी देती है। अब इसमें परिमाणवाचक क्या है, थोड़ी सी चाय। कम दूरी की जगह पर पैदल ही जाना चाहिए। मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में नहीं बन सकती है। मेरा तीसरा सेंटेंस है, मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में नहीं बन सकती। अब आप छांटेंगे इसमें से, दूध की कीमत 5 रुपया लीटर बढ़ गई है। दूध की कीमत 5 रुपया लीटर बढ़ गई है। आप इसमें से क्या आपको मात्रा मापतोल पता चल रही है, आप छांटेंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। मेरा प्रश्न नंबर 3 है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। उदाहरण देकर समझाइए कि इसमें बिल्कुल सिंपल है, आप पहले संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण दे देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 है, विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों के नाम बताइए। पहले आप विशेषण की परिभाषा लिखेंगे और उसके जो भेद हैं उनके नामों लिख देंगे, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।